क्वेश्चन जो तुमको दिया गया है, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप, क्या है ये ग्रुप है, हमको ये बात प्रूव करनी है। ठीक है, तो ग्रुप की फैक्टर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये क्या होता है, जो ऑपरेशन कर रहा है उसी के अंदर से आइटम मान लेते हैं। यहाँ ए और बी कोई दो एलिमेंट है जो क्या आर नॉन जीरो रियल नंबर सेट के अंदर से आते हैं। ठीक है, तो वह हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन ए डॉट बी जो मल्टीप्लीकेशन सिंपली है, वैसे डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं, सिंपली ऐसे ए बी से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, या क्रॉस से डिनोट करना जानते ही हो आप। तो अगर हम क्या मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम क्या करते हैं, ए क्रॉस लिखते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर क्रॉस के तरह डिनोट किया है। तो ये भी क्या करेगा, हमको एक नॉन जीरो रियल नंबर ही मिलेगा। कोई भी दो नॉन जीरो रियल नंबर ले रहे हो उनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो भी नॉन जीरो रियल नंबर ही देगा। तो ये ए क्रॉस जो भी है वो भी क्या आने वाला है, नॉन जीरो रियल नंबर सेट के अंदर से भी आने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर इज अ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। ठीक, मल्टीप्लीकेशन को क्लोज्ड प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, ग्रुप की दूसरी प्रॉपर्टी एसओ सी एक्टिविटी की। ठीक है, एक्टिविटी तो इसके लिए क्या चाहिए, हमको तीन एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं तीन एलिमेंट हमारे पास है, लेस ए बी और सी को तीन एलिमेंट है जो क्या आर नॉन जीरो रियल नंबर सेट के अंदर से आते हैं। तो सच दैट अगर हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी पहले कर लेते हैं फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या ए अलग से मल्टीप्लाई करते हैं और बी क्रॉस सी अलग से करते हैं, फिर बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट सेम आने वाला है। तो आपको भी मालूम है नॉन जीरो रियल नंबर है, किसी भी ऑर्डर पर मल्टीप्लाई करो फाइनल रिजल्ट तो बराबर ही होने वाला है। हम क्या बोले थे, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर इज आर एसोसिएटिव, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर इज आर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तीसरा पॉइंट होगा कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट बताना चाहिए और वो एग्जिस्ट भी करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मानते हैं कोई भी एक एलिमेंट ये है। ठीक है, जैसे कोई एलिमेंट ये है जो क्या सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर के अंदर से आता है, एंड देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट एंड देयर एग्जिस्ट एंडर एलिमेंट ई जो कि क्या आर नॉन जीरो रियल नंबर सेट के अंदर से आना चाहिए, सच दैट, सच दैट अगर हम क्या कर सकते हैं, ई बीच ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन कौन चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन का। अगर हम ए इंटू ई करते हैं तो हमको क्या मिले, ए जी मिले, या हम ई इंटू ए करते हैं तो यहाँ से भी क्या मिले, हमको ए जी मिले। ठीक है, देखो अगर हम बात करें नॉन जीरो रियल नंबर के बारे में तो इसके अंदर जीरो तो आने नहीं वाला, बाकी सभी आएंगे। तो यहाँ पे आराम से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक नंबर होता है नॉन जीरो नंबर वन होता है जो आर नॉन सेट के अंदर से आता है, और उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मान लेते हैं ए किसी के साथ टेन ले लिया, टेन के वन के साथ मल्टीप्लाई करो टेन मिलने वाला है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वन के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, फिर अगर उसको नोट करो, बात करते हैं चौथे प्रॉपर्टी के बारे में, एग्जिस्टेंस ऑफ नोट, नीचे का नोट करो। चल अगर इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाता है तो हम क्या बोलेंगे, ये ग्रुप की कैटेगरी में आता है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए मान लेते हैं हमारे पास एक एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, ए है जो कि आर नॉन जीरो रियल नंबर सेट के अंदर से आता है, एंड देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट बी। आप स्टेटमेंट लिखते हैं, चलो हम लिख देते हैं, एंड देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट
सच है, सच दैट, अगर हम क्या करते हैं उस एलिमेंट को लेते हैं और एक हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ई मिलता है, मतलब कि पेनल्टी एलिमेंट मिलता है। या हम बी को पहले में उसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, यहाँ से आपको पेनल्टी एलिमेंट मिले, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमारे पास नंबर है 5, एक जगह पे 5 लिया, तो क्या ऐसा मल्टीप्लाई करो कि ई आ जाए, मतलब क्या 1 आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ चुका है, 1 आ चुका है, ठीक है। एक सेकेंड, चलो तो अगर हम क्या करें 1.5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। मान लेते हैं कि ए की जगह हमने क्या ले लिया, माइनस का 7 ले लिया, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए, इसके अंदर माइनस का 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कि 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जितने भी हमारे पास नॉन जीरो रियल नंबर है, क्योंकि नॉन जीरो रियल नंबर की बात चले तो जीरो वाला प्रॉब्लम तो होने नहीं वाला, क्योंकि जीरो तो इस सेट के अंदर आते ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, एवरी एलिमेंट फॉर दिस इज इनवर्स, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, हियर एवरी एलिमेंट फॉर दिस इट्स इनवर्स, इट्स इनवर्स यूज कर रहा है, तो क्या हो गया, चौथी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर गया, तो हम क्या बोलेंगे, हेंस द सेट ऑफ, हेंस द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप, ठीक है। क्या करो, इसको नोट कर लो।